जम्मू कश्मीर से बहुजन समाज पार्टी के लिए आई बड़ी खबर। कांग्रेस, भाजपा, पीडीपी छोड़कर कई लोग हुए बसपा में शामिल। जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आई बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी में कांग्रेस, भाजपा और पीडीपी छोड़कर कई लोग शामिल हो गए हैं। आइए जानते हैं वहां के पदाधिकारियों ने क्या कहा। आज का ये प्रोग्राम पार्टी हेडक्वार्टर में रखा गया। काफी साथी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक रखते थे, आज उनको छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। हम बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर इन सभी साथियों का स्वागत करती है, क्योंकि जैसे लग रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो बड़ी जल्दी आने वाली है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि काफ़ी जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी हर फ्रंट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि लोगों का जो रुझान है, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा या भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, तो जिस तरह की महंगाई इस समय आकाश छू रही है उससे लोग त्रस्त हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि अब इनका कोई अल्टरनेटिव, कोई विकल्प ढूंढा जाए, और बहुजन समाज पार्टी वो अल्टरनेटिव, वो विकल्प जो है वो लोगों के लेके आ रही है। और आने वाले समय में ये लगता है कि जिस तरह से हमें समाज का, हमें सभी वर्ग का प्यार मिल रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में इस बार ज़रूर सत्ता में आएगी। और हम कोशिश करेंगे कि हम बहुजन समाज पार्टी की सत्ता अगर बनती है तो जितने भी हमारे समाज के लोगों के दुख दर्द हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम कार्य जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, उनको हम करने के लिए। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।